ओके, तो क्लास 9 चैप्टर 8 मोशन, ठीक है। सब लोगों का कॉपी पेन वगैरह सब बंद कर लो, कृपया करके बोर्ड पे ध्यान दे लो, ठीक है। तो जो बच्चे कल नहीं आए थे वो भी ध्यान देंगे तो आज समझ में आएगा, ठीक है बच्चों। चलिए तो स्टार्ट करें। तो सबसे पहली चीज मैंने आपको बता ही रखा था कि मोशन क्या होता है। मोशन इज नथिंग बट मूविंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। लिखने की जरूरत तो नहीं है। फिर मैंने कहा था जब मोशन करता है तो वो कुछ टाइम में करता है, क्योंकि टाइम को हम रोक सकते हैं क्या? टाइम को हम नहीं रोक सकते। टाइम एक ऐसी फंडामेंटल क्वांटिटी है फिजिक्स की जिसको हम रोक नहीं सकते। भाई इधर से उधर किसी को जाने से तो रोक सकते हो, घड़ी तो नहीं बंद कर सकते। हाँ ये वाली घड़ी बंद कर दोगे, लेकिन जो अर्थ की एक घड़ी चल रही है पीएम और एएम, वो बंद नहीं कर सकते। इसलिए टाइम तो चलता ही रहेगा। यानी हमने दो फिजिकल क्वांटिटीज की बात करी थी, एक तो हमने बात करी थी डिस्टेंस और एक हमने बात करी थी टाइम। और इसी डिस्टेंस और टाइम के खेल को हम कहते थे स्पीड। इसलिए हमारा जो आया था स्पीड का फॉर्मूला वो अभी नहीं आया, हम बताएंगे। हमारा स्पीड का जो फॉर्मूला आया वो आया स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कौन कितनी तेजी से कोई काम को कर रहा है या कोई चीज मूव कर रही है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इसकी पिछली क्लास में मैं आपको पढ़ा रहा था कि व्हाट इज डिस्टेंस एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। तो मैंने कहा था कि जो डिस्टेंस होता है मेरे प्यारे बच्चों वो होता है एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय अ ऑब्जेक्ट। लिख लेते हैं एक्चुअल पाथ या एक्चुअल एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। इसको क्या कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों? डिस्टेंस कहा जाता है। बहुत खूबसूरत बात कह दी थी पुनीत सर ने। इसके बाद हमने एक चीज और बताई कि एक होता है डिस्प्लेसमेंट। क्या बताया हमने? डिस्प्लेसमेंट मेरे प्यारे बच्चों क्या होता था? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑफ टू डिस्टिंक्ट पॉइंट बिटवीन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट बिटवीन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स बिटवीन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इज कॉल्ड मेरे प्यारे बच्चों डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट, है ना बच्चों? सही कह रहा हूं पुनीत सर? चलो ठीक है, देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि एक बच्चे को ए, मैंने बताया भी था एग्जांपल, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। जरूरी नहीं है वो ए से बी डायरेक्ट सीधा जाएगा, वो कुछ ऐसे भी जा सकता है, वो कुछ ऐसे भी जा सकता है, वो कुछ ऐसे जा सकता है, फिर वो ऐसे भी जा सकता है। तो आपने नोटिस किया होगा जो स्ट्रेट लाइन ये बनी है, दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ, दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन बोलो ए एंड बी। लेकिन बाकी के जो थे वो शॉर्टेस्ट नहीं थे, तो इसको भी हम बोलेंगे एक्चुअल पाथ। ये भी बोलूंगा एक्चुअल पाथ जो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ने कवर किया एक पर्टिकुलर टाइम पे, तो ये भी मैं बोलूंगा क्या? एक्चुअल पाथ। इस एक्चुअल पाथ को हमने कहा कि भाई डिस्टेंस कवर्ड किया है किसी ऑब्जेक्ट ने। क्या कहा है? डिस्टेंस कवर्ड किया है एक ऑब्जेक्ट ने। अभी हम स्पीड विस्पीड की बात बाद में करेंगे, इसी लेक्चर में कर लेंगे आज। लेकिन सबसे पहली चीज क्या है कि डिस्टेंस जो होता है इसकी खूबसूरती ये है कि ये डिस्टेंस जो होता है वो एक केवल और केवल स्केलर क्वांटिटी होता है। कैसा क्वांटिटी होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है। इसका मतलब यह है कि यह स्केलर क्वांटिटी का मतलब यह है कि केवल इसके पास इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन। अब मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया भी था कि डायरेक्शन वायरेक्शन कैसे देखते हैं। देखो यार सिंपल सी बात है, मैंने कहा 5 किलोमीटर डिस्टेंस, तो क्या मैंने आपको डायरेक्शन दिया?
नहीं, आपको रोज 5 किलोमीटर दौड़ना है। मैंने थोड़ी बोला कि इस वाले चक्कर लगा के वापस आ जाया करो, नहीं दिया मैंने, मैंने आपको डायरेक्शन दिया ही नहीं। मैंने कहा तुम एक काम करो, यहाँ पर एक मनसा देवी पार्क है वहाँ जाओ और वहाँ 5 किलोमीटर राउंड लगाओ, वापस सीधे घर आओ। क्या बताया मैंने? डायरेक्शन भी बताया, सीधा जाइए, लेफ्ट लीजिए, 100 मीटर आइए, 200 मीटर आइए, हमारा घर मिल जाएगा। बता देना, एक्सप्लेन करते हैं। तो वो क्या देते हैं? डायरेक्शन। जो 100 मीटर 5 किलोमीटर, इनको हम कहते थे ओनली मैग्नीट्यूड। लेकिन हमने कहा कि 5 किलोमीटर नॉर्थ चलो, तो क्या हमने उसको डायरेक्शन दिया है? हाँ, लेकिन बेटा डिस्टेंस में, अब भाई मम्मी ने कहा जाओ बेटा दूध का पैकेट ले आओ। अब भाई तुम्हें क्या पता कि कौन सी दुकान में जाना है? तो एक बच्चा गया एमपी नगर से ले आया, उसको पता ही नहीं था, उसने कहा भाई मम्मी ने बोला दूध का पैकेट लाना है, घूम घाम के लेके आएंगे, बढ़िया पेट्रोल जलाएंगे, तेल जलाएंगे, बढ़िया गाड़ी से घूम घाम के आया, एंजॉय करते हो। एक घंटे बाद आया, मम्मी कहती ये बाजू में दुकान थी वहाँ क्यों नहीं गए? आपने थोड़ी बोला था, आपने तो सिर्फ कहा था दूध का पैकेट ले आओ। अब कितनी दूर जाना था, कितनी पास जाना था, कौन सी दुकान पर जाना था, ये हमको नहीं बताया बच्चों। तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो डायरेक्शन है वो केवल और केवल किसके पास होता है? डिस्प्लेसमेंट के पास होता है, एज कम्पेयर टू अगर मैं बात करूँ डिस्टेंस की। तो मेरे प्यारे बच्चों, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो डिस्प्लेसमेंट, अगर जहां तक की बात करूं मैं डिस्प्लेसमेंट की, इट हैज बोथ क्या? मैग्नीट्यूड, बोलो जल्दी, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इसके पास दोनों ही होते हैं, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। डायरेक्शन कैसे पता चलेगा बताते हैं। जैसे हमने कहा ए है और एक बी है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तुम्हें डिस्टेंस ट्रैवल करना है, तो एक इधर से यूं जाएगा, फिर यहां से मिल मिला के वापस आएगा, ऐसे चले जाएगा। कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में गया क्या? नहीं गया। अब मैंने कहा ए से बी शॉर्टेस्ट पाथ कवर करना है, क्या करना है? शॉर्टेस्ट पाथ। तो कैसे जाएगा? इधर जाएगा, नहीं जाएगा, इधर जाएगा, नहीं जाएगा, इसको सीधा ही जाना पड़ेगा इसके पास, मतलब इसके पास ये डायरेक्शन जरूर होता है। यानी हमने कह दिया भाई 5 किलोमीटर आपको साउथ जाना है, तो ये जो है इसको हम बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट इज हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, एंड देयरफॉर अ क्वांटिटी, या क्वांटिटी की बात करें तो फिजिकल क्वांटिटी, a physical quantity who has both magnitude and direction, both magnitude and direction is called a vector quantity। अभी इतना ही समझो, इसके बाद एक कंडीशन और होती है जिसमें हमें यह भी बताना पड़ता है कि वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो करता है या नहीं करता है। मतलब डायरेक्शन भी होना चाहिए, मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए और वेक्टर एडिशन लॉ को भी फॉलो करना चाहिए, तभी उसको वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। लेकिन अभी उसका टेंशन मत लो, अभी तो इतनी दो लाइनें पढ़ो कि जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा, क्या होगा? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा, उसको क्या बोलेंगे हम? क्या बोलेंगे? वेक्टर क्वांटिटी। समझ में आया क्या? इतना समझ में आया? मिटा दूं? लिखना तो नहीं किसी को? ओके, मिटा रहा हूं। अब हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के कुछ क्वेश्चन करने हैं। तो देखो, किसी ने बोल दिया भाई डिस्टेंस बताओ, डिस्प्लेसमेंट बताओ। तो एक सवाल करते हैं सबसे पहले। सबसे पहला सवाल है, एक बंदा गया, पहले यहां से चला और ईस्ट गया 3 मीटर। कहां गया? ईस्ट गया 3 मीटर और फिर नॉर्थ गया 4 मीटर। तो बोल दिया भाई डिस्टेंस बताओ। तो सबसे पहले उसने कहा भाई डिस्टेंस बता देते हैं। तो डिस्टेंस क्या होता है? एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ। एक्चुअल लेंथ क्या थी? 3 + 4 कितना हुआ? तो डिस्टेंस कितना हो गया? 3 m + 4 m = 7 m। किसी ने कह दिया भाई डिस्टेंस जो है वो हमारे पास क्या आ गया? 7 m। किसी ने बोल दिया भाई डिस्प्लेसमेंट ही बता दो, तुम्हारी दम हो तो हमने कहा हो बता देंगे। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द टू पॉइंट। अब शॉर्टेस्ट पाथ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इनको स्ट्रेट जोड़ना पड़ेगा डायरेक्ट। तो हमें ए बी की लेंथ निकालनी है। किसकी लेंथ निकालनी है? ए बी की। तो ए बी की लेंथ निकालने के लिए आपको पता है ये कितना डिग्री होगा?
90 डिग्री। और आपको मैंने एक चीज और बताई थी कि एक राइट एंगल ट्राइंगल की एक थ्योरम होती है, क्या बोलते थे उसको, पाइथागोरस थ्योरम, PGT, जिसके कारण इन तीनों साइड का कुछ एक रिलेशन होता था। क्या होता था रिलेशन, H square is equal to P square plus B square। H की वैल्यू कितनी थी, H square equal to P की वैल्यू 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 25 H स्क्वायर, H की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 25, H इज इक्वल टू मेरे प्यारे बच्चों 5 मीटर। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा 5, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा 5 मीटर, यानी डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 5 मीटर। ठीक है, सबको एक्सप्लेन समझ में आया पूरा। अब एक सवाल और दे दिया किसी ने, बोला भाई वो बंदा था ए पर, वो ए से बी सेमी सर्कल गया, कितना गया सेमी सर्कल, तो ए से बी का डिस्टेंस निकालो और ए से बी का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालो, यानी डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये अगर वो सेमी सर्कल गया तो सेंटर कहाँ होगा, इस पर। सेमी सर्कल गया मतलब यहाँ से ऐसा गया, यानी हमें क्या करना पड़ेगा, सर्कमफ्रेंस का आधा यानी हाफ ऑफ सर्कमफ्रेंस निकालना पड़ेगा, यानी डिस्टेंस जो होगा मेरे प्यारे बच्चों, डिस्टेंस विल बी इक्वल टू पाई इंटू आर। आपने कहा पाई इंटू आर क्यों, टोटल कितना होता है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, 2πr, तो आधा कितना होगा पाई आर। अब मान लीजिए रेडियस की वैल्यू कितनी है, रेडियस इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, मैंने बताया, तो ये हुआ 22 divided by 7 into 7, 7 से 7, 22 meter इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट। अब उसने कहा भाई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा ए और बी के बीच में, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा आर प्लस आर, कितना हो जाएगा 2r, यानी डिस्प्लेसमेंट जो होगा मेरे प्यारे बच्चों, जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा, 7 plus 7 is equal to 14 meter। इतना उतार लो जल्दी फटाफट। ओके, तो आई होप तुम लोगों ने लिख लिया। एक सवाल और जो मैंने कल की क्लास में होमवर्क दिया था और उसको अपन लोगों ने रिकॉर्ड नहीं किया था, लेकिन फिर भी मैं करवा देता हूं और वो सवाल मैं आज डिस्कस कर लेता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, वो सवाल लिखते हैं। ठीक है, ये मिटा नहीं रहा हूं। उसने कहा भाई एक चका है, चका समझते हो, चका का मतलब होता है, अरे अरे सर चका तो आपने बिल्कुल गोबर कर दिया, कोई बात नहीं फिर से बनाते हैं। एक चका है और वो एक और चका है और दोनों एक ही चके हैं, आहा कितना अच्छा बना। ठीक है, कोई बात नहीं, अपनी तारीफ खुद ही कर लिया। ठीक है, कोई बात नहीं। अब इस चके के इस पॉइंट पर, इस जगह पर, इस पॉइंट पर एक पॉइंट है, मतलब इस जगह पर एक पॉइंट है, और ये चका आगे रोल होता है आधा, कितने डिग्री घूमता है 180 डिग्री घूमता है। तो ये पॉइंट जो है वो उठ के कहाँ आ जाता है, इधर। आपसे पूछा कि अगर ये पॉइंट ए है और अगर ये पॉइंट बी है, तो मैंने कहा कि फाइंड द डिस्टेंस, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पॉइंट एंड ऑल्सो फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, ऑल्सो फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट। मतलब इसी पॉइंट का हमें डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है। तो मेरे प्यारे बच्चों पहले तो डिस्टेंस की बात करते हैं। इमेजिन करो, कड़ा देना, इमेजिन करो कि ये वही चक्का है, ये वही व्हील है, और ये व्हील यहाँ है और ये जो पॉइंट है वो यहाँ है। ठीक है, ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से पकड़ पे, ध्यान से देखना है ना, ये व्हील का वो जो पॉइंट है वो यहाँ है। जब ये घूमेगा आधा, जब ये आधा घूमेगा तो वो कहाँ आ गया, ऊपर की तरफ। अब इस पॉइंट ने एक्चुअल पाथ कौन सा कवर किया, देखो ये वो पॉइंट था, इसने एक्चुअल पाथ कौन सा किया, इतना, देखो इतना ही एक्चुअल पाथ कवर किया उसने। देखो वो आगे जरूर बढ़ा है, लेकिन उसने पाथ कितना कवर किया, ये क्या होगा सेमी सर्कल। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, सेमी सर्कल है ना। तो
डिस्टेंस विल बी इक्वल टू पाई आर. रेडियस कितना दिया था मैंने, रेडियस गिवन वॉज 28, यानी 22/7 इंटू 28, 7×7 = 88 मीटर्स. mm था, सेंटीमीटर था, इंच था, सेंटीमीटर था, चलो इसको सेंटीमीटर कर लो, 28 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर. तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ, 28 सेंटीमीटर. अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ज्वाइन कर दो, ये निकालना डिस्प्लेसमेंट. तो भाई डिस्प्लेसमेंट निकालने का क्या करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा. अब आपको ये डिस्टेंस निकालना है, ये तो आपको पता ही चल जाएगा कितना, ये डायमीटर के बराबर, सर्कल की डायमीटर के बराबर होगा ना. 28 + 28 कितना होता है, 56 सेंटीमीटर. और ये डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया उसने, ए से पी, कोई बता पाएगा, बताते हैं वापस वापस, देखो ध्यान से देखो, कोई बात नहीं वापस बना देंगे अपन, कोई बड़ी बात है क्या, इंक खत्म थोड़ी नहीं हो जाएगी. देखो जब इस पॉइंट ने, इस पॉइंट ने यहां से यहां ट्रैवल किया होगा, तो इस चके ने आगे बढ़ा होगा, कितना ट्रैवल किया होगा उसने, कितना ट्रैवल किया होगा, इतना ही उसने आगे भी बढ़ा होगा, जितना ये है ना उतना ही उसने ये आगे भी बढ़ा होगा. देखो इसको, इसको देखो, इसको ऐसे करो, इसको यहां से करो, देखो ध्यान से देखना, ये पॉइंट अभी यहां है, तो चका कितना आगे बढ़ा, देखो इसको घुमाओ, ये तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उसने, उसने भी, चके ने भी आगे की तरफ जो डिस्टेंस ट्रैवल किया वो किसके बराबर है, इस सरकमफ्रेंस आधे के, सरकमफ्रेंस हमने हाफ सरकमफ्रेंस यानी सेमी सरकमफ्रेंस, तो कितना हो जाएगा, सेमी सरकमफ्रेंस कितना आया था बच्चों, अरे 80 तो आया था. अब आपको दिख रहा है एक राइट एंगल ट्राइंगल, ये 88 है, ये कितना है बच्चों 56, ये क्या है हाइपोटेन्यूस, तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, एच स्क्वायर इक्वल टू 88 का स्क्वायर प्लस 56 का स्क्वायर. बस इसको सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर बिल्कुल बहुत तेज में आएगा, उतार लो जल्दी फटाफट. ओके तो ये मिटा रहा हूँ मैं. अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ बहुत खूबसूरत, इसी चीज़ से रिलेटेड है कि जो व्हीकल्स होती है ना, मोटर बाइक्स, व्हीकल्स, गाड़ियाँ, आपके पास सभी के पास गाड़ियाँ होंगी है ना, तो बच्चों उसमें एक एक मीटर इस्तेमाल किया जाता है जिसका नाम है ऑडोमीटर. बच्चों उस ऑडोमीटर की जो खास बात यह होती है, वो क्या करता है, इट मेजर्स द डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हीकल, व्हीकल के द्वारा जितना डिस्टेंस कवर्ड कर सकती है कोई चीज, कोई चीज मतलब ऑब्वियसली व्हीकल है, तो व्हीकल जो डिस्टेंस कवर करती है, जैसे फॉर एग्जांपल ये वो गाड़ी का चक्का है, देखो मैं अभी वापस से बनाता हूँ, ये वो गाड़ी का चक्का है. अब ये पूरा एक कंप्लीट राउंड लेने में कितना डिस्टेंस कवर करेगी, आगे कितना बढ़ेगी, देखो ध्यान से देखो, तो एक कंप्लीट राउंड जब वो लेगी, जब वो एक कंप्लीट राउंड जब वो लेगी, तो वो कितना डिस्टेंस कवर करती है, वो डिस्टेंस कवर करती है यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना, 2πr. आप कुछ मत करो, आप इसको एक राउंड आगे बढ़ाओ और फिर उसके धागे को क्या करो, नापो, धागे से इसको नापो कितना, 2πr नापो, और फिर उस डिस्टेंस को नापोगे ना तो बराबर निकलेगा. जैसे अभी हमने इससे पहले थोड़ी देर पहले कर लिया, उसको रिकॉर्ड नहीं किया, कर लिया है ना. तो यही जो चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो आपको समझनी है. तो हमारे पास जो ऑडोमीटर होता है व्हीकल्स में, वो क्या करता है, वो डिस्टेंस को नापता है. जैसे आपने ट्रिप मीटर चालू कर दो, घर से निकले जीरो कर दिया, अब यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है, हमारी बुआ जी के घर कितना डिस्टेंस पर है, पता लगाने के लिए, पेट्रोल चेक करने के लिए कि कितना पेट्रोल लीटर खा रही है व्हीकल, एवरेज निकालने के लिए, तो वो सब करने के लिए हम ऑडोमीटर का इस्तेमाल करते हैं. एक और होता है आपके दिमाग में आ रहा होगा, स्पीडोमीटर. बच्चों वो स्पीड निकालने के लिए काम करता है, इसका मतलब इट मेजर्स द इंस्टेंटेनियस. अब आप बोलोगे सर ये टेनियस क्यों जोड़ दिया,
इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है एट अ पर्टिकुलर टाइम, जब आप देखते हो कि आपकी स्पीड 50 है, फिर आप गाड़ी चला रहे हो थोड़ी बढ़ाओगे, अरे अभी 60 है फिर बढ़ाओ, अरे अभी 70 हो गई, तो ये जो उस टाइम पे जो तुम स्पीड देख रहे होते हो उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। और ये स्पीडोमीटर बताता था, इस मेजर था इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ अ व्हीकल। कौन बताता है? स्पीडोमीटर। और व्हाट इज स्पीड अभी बात करेंगे। तो इतना मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा कि डिस्टेंस ट्रैवल होता है, फिर कुछ टाइम लगता है, उसकी बात करते हैं। अब कितने प्रकार के हमने मोशन देखे, हमने यहां पर देखे टू टाइप्स ऑफ मोशन। हमने मोशन देख लिया, अब डिस्टेंस भी पढ़ लिया, डिस्प्लेसमेंट भी पढ़ लिया, वेक्टर पढ़ लिया, स्केलर पढ़ लिया। मैं अभी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर भी बता दूंगा, लिखवा दूंगा आज। हमें दो प्रकार के मोशन पढ़ने हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। कितने प्रकार के पढ़ने बच्चों? दो प्रकार के। इसमें सबसे पहला होता है यूनिफॉर्म मोशन। कौन सा होता है? यूनिफॉर्म मोशन। और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब आप बोलोगे सर यूनिफॉर्म तो हमारी ड्रेस होती है, स्कूल की ड्रेस होती है, हमें हमारी स्कूल की ड्रेस को तो यूनिफॉर्म बोलते हैं, फिर ये यूनिफॉर्म क्या ड्रेस ड्रेस पहन के आता है मोशन? ऐसा नहीं होता। अगर असली शब्द का मीनिंग निकाला जाए, यानी यूनिफॉर्म का मीनिंग निकाला जाए बच्चों, तो आपके स्कूल में जो यूनिफॉर्म होती है उसका मतलब होता है कि सारे बच्चे, चाहे वो हिंदू का हो, मुस्लिम का हो, क्रिश्चियन हो या सिख हो, कोई सी भी कम्युनिटी का हो, स्कूल के अंदर सारे बच्चे एक ही प्रकार की शिक्षा हासिल करते हैं, यानी सभी एक हैं। यूनिफॉर्म का मतलब एक, यूनिटी। और वही यूनिफॉर्म पहन के आप ये भी नहीं बता पा सकते कि कोई अमीर का बच्चा है या कोई गरीब का बच्चा है। इसका मतलब यूनिफॉर्म एक यूनिटी का प्रतीक होता है, इसलिए हम स्कूल में यूनिफॉर्म चलाते हैं। नहीं तो आप कॉलेजेस में जाएं जहां यूनिफॉर्म नहीं चलती है, वहां अगर मैं गरीब जैसा तो मेरे पास जो शूज होंगे वो हो सकता है कैंपस के जूते पहन के जा रहा हूं, वहीं एक अमीर बच्चा नाइकी के जूते पहन के आ रहा है, बेहतरीन एंजॉय करता हुआ, अच्छा बैग है उसके पास, अच्छे शूज हैं, अच्छे कपड़े हैं, हम फटे वटे कपड़े पहन के जा रहे हैं जो हमारे महंगे लगते हैं, है ना। तो वहां पर अंतर दिख जाता है, वहां नॉन यूनिफॉर्म की बात करेंगे, लेकिन यहां पर अंतर नहीं होता, सब सेम। कैसा? सब सेम। स्कूल में कैसा होता है भाई? कोई अमीर है, कोई गरीब है, लेकिन क्या यूनिफॉर्म से बता दोगे किसी को देख के ये अमीर बच्चा है ये गरीब बच्चा है? हाँ, उसकी हेयर स्टाइल से बता दोगे, हज और गरीब लगते हैं आजकल तो, हेयर स्टाइल ऐसी ऐसी आ गई। खैर वो नहीं है, बात यह है कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। जब कोई बॉडी मूव करती है तो लिखेंगे व्हेन अ बॉडी मूव्स, या हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, मूव नहीं करेंगे, हम बोलेंगे व्हेन अ बॉडी कवर्स, सर कवर की स्पेलिंग तो लिख दो, कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। क्या बोला मैंने? व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन द मोशन इज कॉल्ड, बताओ कौन सा? यूनिफॉर्म। हर चीज इक्वल होगी ना, यूनिफॉर्म कैसे होता है? सब एक होता है ना। तो उसने कहा भाई इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। कैसे? तुम चले, तुमने एक सेकेंड में 3 मीटर डिस्टेंस कवर किया, अगले एक सेकेंड में भी 3 मीटर डिस्टेंस कवर किया, तो 2 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया? 6। अगले एक सेकेंड में भी तुमने कितने डिस्टेंस कवर किया? 3 मीटर, तो 3 सेकेंड में कितना? 9। इसी को बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। अब आप बात कर लेते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म जो मोशन होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या हो सकता है? कोई बता सकता है? कोई भी? व्हेन अ बॉडी कवर्स अभी यहां क्या था? इक्वल डिस्टेंस था, अब अनइक्वल होना चाहिए,
अनइक्वल डिस्टेंसेस इन, इधर क्या था इक्वल इंटरवल, वहां क्या हो जाएगा मुक्का खाओगे, पूछो कैसे बेटा। टाइम तो एक सेकेंड का ही रहेगा ना, टाइम का इंटरवल थोड़ी तुम चेंज कर पाओगे। तो व्हेन अ बॉडी कवर्स अन इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इन इक्वल इंटरवल्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ देन इट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। फिर उसको क्या कह दोगे बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म। जैसे पहले सेकंड में कितना ट्रैवल किया, पहले सेकंड में किया 5 मीटर, दूसरे सेकंड में कितना ट्रैवल किया, फिर अगले सेकंड में कितना ट्रैवल किया 15, पहले 5 किया फिर 15, अरे बाप रे। फिर तीसरे सेकंड में कितना ट्रैवल किया 10, अरे बाप रे, पहले बढ़ाई फिर घटा दी। फिर चौथे सेकंड में कितना ट्रैवल किया 5 वापस, फिर कम हो गई, ब्रेक मार रहे थे क्या। इसी को बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या कहा जाता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, समझ में आया। अब इसका ग्राफ देखो, ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है और ग्राफ बहुत इंटरेस्टिंग भी है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं डिस्टेंस टाइम ग्राफ, मैं क्या बना रहा हूं बच्चों, क्या बोल रहा हूं, डिस्टेंस, वेरी गुड, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले देखना ये टाइम चलेगा ऐसे और डिस्टेंस चलेगा ऐसे, ठीक है। हम इसके भी इंटरवल बनाते हैं, 0 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर। तो इसको कर दो 5 मीटर, सर 5 करो, 10 करो, 15 करो, 20 करो, ठीक है। और इसको कर दो 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, इन सेकेंड्स, और ये होगा इन मीटर्स, ठीक है। पहले सेकेंड में कितना ट्रैवल किया उसने, यूनिफॉर्म का बना रहे हैं, पहले पहले में किया सर 5, अरे 3 कह रहा, चलो 5 कर लो रे इसको, हर हर सेकेंड में 5 कर लिया, 5 का बना दिया मैंने, 5 कर लो। अभी देखो मैं जो समझाना चाह रहा हूँ, देखो तो पहले में 5, दूसरे में कितना किया, दूसरे में 10, तो अगले में भी 5 होगा, तो अब दूसरे सेकेंड बाद कितना हो जाएगा 10, 3 सेकेंड में कितना होगा, 3 सेकेंड में 15 हो जाएगा, 4 सेकेंड में कितना हो जाएगा बच्चों 20। अब जब इसको ज्वाइन करोगे ना सारे पॉइंट्स को, तो तुमको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। और एक व्हेन अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, यानी डीटी ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन, देन द मोशन इज सेट टू बी, बताओ, यूनिफॉर्म। भाई अगर एक डीटी टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है ग्राफ, तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक यूनिफॉर्म मोशन करेगा। और अगर वो स्ट्रेट लाइन नहीं बना रहा है, कर्व बना रहा है, जैसे ऐसा आएगी, अगर कर्व बना रहा है डीटी डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो ये कैसा मोशन होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये कैसा मोशन होगा बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म क्या कहेगा, डीटी ग्राफ की जो लाइन आएगी वो कैसी आएगी, स्ट्रेट। अगर कर्व आई तो नॉन यूनिफॉर्म, स्ट्रेट आई तो यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। इतना उतारो मेरे प्यारे बच्चों। ओके बच्चों, तो सबसे पहली चीज हम लोगों ने ये सीखा, हम लोगों ने डिस्टेंस सीखा, हम लोगों ने अब मोशन भी कितने प्रकार के होते हैं ये भी सीख लिया। एक बहुत फेमस क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो आज हम वही डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस ढूंढने की कोशिश, प्रयत्न, प्रयास, कोशिशें करेंगे। देखो तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, ऐसा लिखेंगे, डिस्टिंग्विश बिटवीन
डिस्टिंग्विश बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. डिस्टिंग्विश बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. तो क्या करोगे, सबसे पहले डिस्टिंग्विश करने के लिए बहुत खूबसूरत सी एक लाइन बना दोगे, स्ट्रेट लाइन जो भी तुम्हें बनानी हो. फिर आप यहाँ लिख दोगे डिस्टेंस. मेरे प्यारे बच्चों क्या लिखोगे आप? डिस्टेंस. फिर यहाँ पर क्या लिख दोगे आप? डिस्प्लेसमेंट. क्या लिख दोगे आप? डिस्प्लेसमेंट. किस क्या लिख दोगे? डिस्प्लेसमेंट. और फिर क्या लिख दोगे? बहुत खूबसूरत सी बातें लिख दोगे. देखो पहली बात क्या लिखोगे, पहली बात डेफिनेशन में छुपी हुई है. द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड. आवाज में दम नहीं है बच्चों, आवाज में अभी भी दम नहीं है. क्या है? डिस्टेंस. इसका पहला पॉइंट क्या होगा? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स. द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, अब टू पॉइंट्स हो या इनिशियल पोजिशन, शुरुआत की पोजीशन एंड आखिरी की फाइनल पोजीशन. द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं बेटा? डिस्प्लेसमेंट. क्या बोलेंगे उसको? डिस्प्लेसमेंट. दूसरा पॉइंट क्या छुपा हुआ सुनो. इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन, है ना? इसके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता. इसका दूसरा पॉइंट यह है, इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड, बच्चों भी लिखने वाला एंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अगर इसके पास केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है तो इसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी. इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. इसको क्या बोलेंगे? वेरी गुड. इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. और क्या डिफरेंस हो सकता है? हाँ, फोर्थ. इट कैन नेवर बी जीरो. It can be zero. Displacement can be zero. अब एक सवाल बताता हूँ, ये पॉजिटिव भी होगा, ये जीरो नहीं होगा, जीरो से छोटा भी नहीं होगा. ये जीरो से छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है. अब आप बोलोगे सर कैसे? बताते हैं. जैसे एक पॉइंट है ए और बी, ए से चला ए को वापस आ गया तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? जीरो. डिस्टेंस कितना हो गया? एक्स प्लस एक्स टू एक्स. ये खूबसूरती है. एक्चुअल लेंथ कितनी हो गई पाथ की? एक्स. और वापस आया एक्स तो कितना डिस्टेंस कवर किया? टू एक्स. ऐसा तो नहीं होता गाड़ी से जब निकलते हो तो जीरो होता है ऑडोमीटर, फिर जब घूम घाम के वापस घर आ गए अब डिस्प्लेसमेंट थोड़ी दिखाएगा, वो क्या दिखाता है? तो कितना घूमे सर? 50 किलोमीटर घूमे तो वो क्या दिखाता है, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस? डिस्टेंस दिखाता है. और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? पहली पोजिशन क्या थी हमारी? घर. आखिरी पोजिशन क्या है? डिस्प्लेसमेंट. हल हुआ जीरो. एंजॉय. पांचवा पॉइंट बड़ा खूबसूरत पॉइंट है, बताएं
बताएं एग्जांपल, जैसे 5 किलोमीटर जाना है, 5वां पॉइंट इसका भी खूबसूरत है, 5 किलोमीटर नॉर्थ। तो ये हैं सारे पॉइंट्स जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के डिफरेंस बताते हैं। जल्दी से उतार लो, छाप लो फटाफट।